बिलारी क्षेत्र के ग्राम हाथीपुर बहाउद्दीन स्थित सम्राट पैलेस में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की एक बैठक जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में हुई, जिसमें डीलरों की समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और डीलरों पर हो रहे उत्पीड़न ऑफ पर भी चर्चा की गई। कहा कि डीलरों पर हो रहे उत्पीड़न अत्याचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीलरों पर जो फर्जी शिकायत हो रही है और झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब डीलर एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होंगे और डीलरों पर हो रहे अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। डीलर संघ के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि सरकार डीलरों पर उत्पीड़न करे, वरना उत्तर प्रदेश के समस्त डीलर हड़ताल करने व धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे और इसकी स्वयं जिम्मेदार सरकार होगी। बैठक में जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी, जिला महासचिव सत्यपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष रईस अहमद, बिलारी ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप कुमार, कुंदरकी नगर अध्यक्ष ऋषि पाल सिंह, मुकीम यासीन, नथू सिंह, राजवीर सिंह, प्रताप सिंह, सुरेश लाला आदि डीलर मौजूद रहे। बैठक के उपरांत डीलर संघ के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में तहसील परिसर पहुंचकर आपूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार को प्रमोशन होने पर सभी डीलरों ने फूलमालाएं पहनाकर शुभकामनाएं दी। डीलर एसोसिएशन ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप की एक छोटी सी सीमित मीटिंग 40-45 लोगों की बुलाई है आगे की रणनीति बनाने के लिए, क्योंकि माह जून का जो हमने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मनरेगा कार्ड धारकों को, श्रम विभाग के कार्ड धारकों को जो राशन वितरण किया था निःशुल्क, उसका पैसा हमारा अभी तक नहीं आ पाया है। इसकी रणनीति हमारी ये बनी है, आगे अक्टूबर माह में बहुत बड़ी संख्या में हम अपनी मांगों को रखने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे डीलर साथी और समस्त जो हमारे टच में गांव की शहर की जनता है, उन्हें लेके हम बैठक करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में मीटिंग करेंगे। हम सरकार को भी अपना एहसास दिला देंगे कि हम भी कुछ हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी मांगें भी सरकार को माननी चाहिए। हम 70 पैसे में कैसा अपना पालन पोषण करें, कैसा गुजारा करें, 70 रुपये कमीशन में क्या कर सकते हैं। 70 रुपये कमीशन में 50 क्विंटल का दुकानदार भी है, 100 क्विंटल का दुकानदार भी है, क्या कोई 3500 रुपये में अपने खर्च पूरा कर सकता है पूरे महीने के लिए। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे, सरकार के नुमाइंदों से भी हम मिलेंगे, मंत्री जी से भी हम मिलेंगे, खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न के मंत्री उनसे भी हम मिलेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो एक दिन हम हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे और हम पूरे जिले की क्या पूरे उत्तर प्रदेश की उस दिन हड़ताल होगी, उस दिन एहसास होगा राशन डीलर क्या चीज़ है। हर व्यक्ति चुनाव के टाइम हमें राशन डीलर को वोटर के रूप में यूज करता है और हमारी मांगे आज तक कोई नहीं माना, कोई किसी ने सापा ने मानी ना, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान रही। तो हम